वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि प्रभास स्टारर आने वाली फिल्म सलार जब से फ्लोर पर गई है तब से ही चर्चा में है। वर्तमान में केजीएफ प्रसिद्धि के प्रशांत नल के निर्देशन में फिल्म की शूटिंग तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रभास एक नए अवतार के साथ हम सभी के साथ ऐसा व्यवहार करने जा रहे हैं जैसा कि उनकी पिछले किसी भी फिल्म में पहले कभी नहीं देखा गया। हाल ही में प्रशांत नल ने मीडिया से बातचीत की और स्पष्ट किया कि फिल्म सलार मूल है। केजीएफ हेल्मर ने कहा कि उन्होंने अखबार में पढ़ा कि प्रभास अभिनीत फिल्म सलार एक रीमेक है। दरअसल प्रशांत नल ने यह कहकर निष्कर्ष निकाला, सलार मेरी पिछली फिल्म उग्रम का रीमेक नहीं है। इस फिल्म की कहानी एक मूल विचार के साथ प्रभास के लिए लिखी गई है। बता दें कि उसकी पिछली पेशकश उग्रम और केजीएफ 1 सैंडलवुड में बहुत बड़ी हिट थी। वर्तमान में वह सलार के लिए काम कर रहे हैं जो हॉर्नबिल फिल्म्स के विजय किरंगडूर द्वारा निर्मित है, जो यश, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और संजय दत्त अभिनीत केजीएफ फ्रेंचाइजी को नियंत्रित कर रहा है। बता दें कि क्रैक महिला श्रुति हासन को फिल्म की प्रमुख महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके जन्मदिन पर उनके शामिल होने की घोषणा की गई है और प्रभास ने उनका स्वागत किया। खैर, आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।